So good morning friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, I am about to start this session. So let me upload the document in our Telegram group. You can download that document from there. तो आप जाके वो document उधर download कर सकते हैं and then we will start this session. Okay, so few people already they have raised some doubts. So I'll deal with them. Okay, धीरे धीरे उनके साथ देखेंगे क्या उनके doubts हैं. सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि आज की अखबार में हमारे लिए क्या खास आया है. सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट वी फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर फॉर अस इन आर न्यूज़पेपर कि आज के अखबार में हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग है. सो सुष्मिता से आंसर डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट क्या है. ओके सो ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा अच्छे से. डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से एक बार देख के हम इसको फिर जान सकते हैं. So let's start the session. Let's not waste our time. Okay. So use lockdown only as absolute last resort, Modi tells the states. Now this statement is important because you need to understand economy is also equally important. Recently you must be seeing things ki migrant crisis is back. Okay, Himani, good morning. Migrant crisis is again back in news, so that's why we cannot afford to shut down our economy. There are a lot of people who cannot afford this, जो चीज़ों को afford नहीं कर सकते हैं. Okay, so ये सारी समस्या हमें समझनी है और इसको हम deal करेंगे कि कैसे आगे बढ़ते हैं. Now cities stayed by High Court order for lockdown in 5 cities stayed by the top court. We are going to deal with this in detail. इसको detail में जानेंगे. You need to understand this is a standard question of judicial overreach. तो judicial overreach से related ये चीज़ है. So imposing a lockdown and providing governance. तो यहाँ पे governance का एक angle है और lockdown जो लेके आना है ये पूरा का पूरा आपका executive का decision है. Okay. एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसीजन लेगा और सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे एक और रोल प्ले कर रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर लगती है और एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये डिसीजन लेगा. जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकता. डे टू डे गवर्नेंस का मैटर है ये डे टू डे गवर्नेंस का मैटर है और जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं करता और नहीं कब से करना चाहिए. ओके सो ये आप समझेंगे. सो ये देखते हैं क्या इसके अंदर आता है इसके बाद. ओके सो Some Delhi hospitals down to 4 to 5 hours of oxygen. Now this is a major problem which is going on. चीजें ऐसी खराब हो गई हैं. So we have to still watch how the center is going to address this issue. US currency watch list and intrusion into policy. We are going to deal with this in detail. देखिए RBI की एक responsibility है. Reserve Bank of India की एक responsibility है कि उनको जो exchange rate है वो मेंटेन करके रखना होता है. जो रुपी की हेल्थ है वो मेंटेन करके रखनी होती है. ओके कि रुपी बढ़ रहा है घट रहा है दैट पार्ट इज डन बाय आरबीआई एंड इट्स अ नॉर्मल ऑपरेशंस. ये आरबीआई के नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यूएस ने हमें वॉच लिस्ट पे डाल दिया है. अब वॉच लिस्ट पे आने से क्या नुकसान होता है आपके ऊपर थोड़ा सा जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बढ़ जाती हैं. वी आर ट्रेडिंग विद यूएस हम यूएस के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं और डॉलर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंसी है वर्ल्ड ओवर एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट. हम भी उन पर डिपेंडेंट हैं. सो दैट्स वाई इट्स अ क्रिटिकल थिंग दैट दे हैव पुट अस ऑन वॉच लिस्ट. तो इसके अंदर देखेंगे क्या ये कहा जा रहा है. फर्दर इफ यू सी लेट्स मूव टू आर एडिटोरियल सेक्शन. सीधा जो है एडिटोरियल सेक्शन पे आएंगे. ओके उसके अंदर देखेंगे क्या कहा जा रहा है. सो एज यू सी दिस लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज. ओके सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस इन डिटेल. इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जानेंगे चीजों को डी कार्बनाइज कैसे करना है कोल पावर प्लांट को कैसे डील करना है वो सारी चीज जो है यहाँ पे इन्होंने बताई है. तो ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अदर देन दैट If you see this editorial, long battle against the Maoist. Maoist के against जो लड़ाई है वो लंबी है. So we have a strategy also. हमारी strategy भी है. So we are dealing in two ways. हम लोग security को भी strengthen कर रहे हैं plus जो है development भी provide कर रहे हैं. But still, why Maoist are still success? Why they are still successful?
ये कुछ फंडामेंटल सवाल जो हैं हमें एड्रेस करने हैं, ये फंडामेंटल सवाल इस एडिटोरियल में इन्होंने एड्रेस किए हैं, सो वी विल लुक इनटू दैट, इसको देखेंगे क्या इन्होंने कहा है. सो बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर द कार्पेट, सो इट इज रिगार्डिंग इंडिया चाइना डिस्कशन. ये इंडिया चाइना टॉक से रिलेटेड है, इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वी कैन नॉट कैरी आउट द ट्रेड, हम चाइनीज के साथ, चाइनीज कंपनीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही उन्हें अलाउ कर सकते कि इंडिया में वो ट्रेड करें, बिकॉज जब तक आपके बॉर्डर पे शांति नहीं है आप कैसे उस देश के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करोगे. सो दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट हेयर, इसको भी थोड़ा देखेंगे क्या इन्होंने कहा है. अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. रिमूव ऑफेंडिंग कंटेंट, ओके, जो ऑनलाइन ऑफेंडिंग कंटेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा. दिस इज द हाई कोर्ट जजमेंट, इसको थोड़ा देख लेंगे क्या ये कह रहे हैं. ओके, हेयर सेंटर इवेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वैक्सीन, नाउ दिस इज वॉट स्टेट्स आर कंप्लेनिंग. सो ये जो वैक्सीन क्राइसिस है, ओके, ये वैक्सीन क्राइसिस जो है ये एक तरीके से फेडरल प्रॉब्लम भी बन सकता है. Why it can emerge as a federal problem? If you see health, health की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके state list का subject है, ठीक है? Health की अगर हम बात करें ये state list का subject है. और जो vaccine बन रही है, हम लोग vaccine export भी कर रहे हैं, okay? अब vaccine आप export कर रहे हो under international relations, और international relations जो है वो union के agenda में आता है. दिस इज हाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटर रिलेटेड, कि आप अपने देश के लिए वैक्सीन नहीं बचा रहे हो, आप उसे एक्सपोर्ट करते जा रहे हो, और हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. स्टेट्स आर ऑल्सो वल्नरेबल हेयर, स्टेट्स जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भाग सकते. सो ये एक डिबेट बन रही है कि हमें क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस को अपना प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए. दिस इज द सिनेरियो विच इज इमर्जिंग राइट नाउ, ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है. एंड ऑपोजिशन पार्टीज आर क्रिटिसाइजिंग द यूएस, उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं. यूएस डिनाइज वैक्सीन इनपुट बैन, ओके, तो ये एक तरीके का न्यूज थी, हमारे लिए कुछ खास नहीं है. सेंटर्स टेल यूनियन टेरेटरीज टू प्लान फॉर क्रूशियल 3 weeks, सो नेक्स्ट 3 weeks आर गोइंग टू बी क्रूशियल फॉर अस, आने वाले 3 हफ्ते हमारे लिए काफी क्रूशियल होंगे. सो ये सिचुएशन बन रही है, ओके. सो स्टेट्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट, देखना पड़ेगा कि क्या होता है. यूपीएससी हैज ऑल्सो डेफर्ड द इंटरव्यूज, इंटरव्यूज जो है वो यूपीएससी ने भी डेफर कर दिए हैं. सो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज अ फ्यू कंट्रीज कैन नॉट सेट द ग्लोबल रूल्स, से जिंगपिंग. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट क्वाड, वो क्वाड की बात कर रहे हैं. दे आर सेइंग यू कैन नॉट वर्क इन सर्कल्स, आप सर्कल्स के अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है ना. यू कैन नॉट वर्क इन सर्कल्स, कि छोटे छोटे ग्रुप आप बना लो और उसको जो है उस पर आगे बढ़ते रहो. फर्दर दे आर सेइंग दैट दे माइट लुक फॉर ज्वाइंट वैक्सीन प्रोडक्शन, और BRIs के जो कंट्री हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के जो कंट्रीज हैं, उनकी हेल्प चाइना यहाँ पे करने को तैयार है, ओके. तो ये किस लिए आया है? ये आया है इंडिया और क्वाड के इनिशिएटिव के आंसर में. क्वाड ने कहा था कि वी माइट ब्रिंग अप अ क्वाड वैक्सीन, हम लोग शायद एक क्वाड वैक्सीन भी बनाएंगे. मींस इंडिया कैन प्रोड्यूस एंड अदर कंट्रीज दे कैन इन्वेस्ट, वो हमें पैसा दे सकते हैं. सो डेफिनेटली वी कैन मूव अहेड, हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं. सो चैड प्रेसिडेंट डाइज ऑन बैटलफील्ड, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस, इसको जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन पे करेंगे. ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अफ्रीका का मैप यहाँ पे देखेंगे क्या वो कह रहा है, ओशियनिक करंट्स क्या हैं, वो थोड़े फैक्ट्स जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है. सो ओके, सो गवर्नमेंट सेज कंटेनर शॉर्टेज इज रिजॉल्व, तो ऐसा बोला जा रहा था कि कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई है हमारे यहाँ पे, वो इशू जो है इन्होंने रिजोल्व कर दिया है. एंड देर द टारगेट इज ओवर 25% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं. सो इट्स अ गुड दैट यू सेट द हाई टारगेट्स, बट स्टिल अचीविंग दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड हाउ यू आर गोइंग टू अचीव, जब जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे, ओके. अब गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट इज हैविंग अ लिमिटेशन, एक लिमिटेड अमाउंट तक गवर्नमेंट पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है. सो दे हैव टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, ओके. यू हैव टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए करना जरूरी है. एंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश के अंदर इतना खास नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक चीज है.
If you observe the last few years, private investment is not picking up in your country, and that's the problematic thing. वो हमारे लिए समस्या का सबब बना हुआ है. Other than that, there is nothing much. Now let's move to the detailed discussion section. So सीधा हम लोग जो है detailed discussion पे आएंगे. So High Court order for lockdown in 5 cities stayed by top court. अब ये चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे एक डिबेट है, तो उस डिबेट को हम देखेंगे क्या वहां कहा जा रहा है. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे स्टेड द अलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द यूपी गवर्नमेंट टू इम्पोज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन टिल अप्रैल 26. अब एज आई टोल्ड यू, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ये आपके एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, और वहां पे कैसे जो है कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, ये सबसे बड़ी समस्या है. और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी आती है इन चीजों को इम्पोज करने में. नाउ इफ यू सी द स्टेट, अगर हम सरकार की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं. ओके, सो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहां पर कुछ है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी तो प्रोवाइड करना है ना. दैट्स वाई दीज आर ट्रिकी डिसीजंस, ये बहुत ही ट्रिकी डिसीजंस होते हैं और डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं. कि अगर आप लॉकडाउन लेके आओगे सो डेफिनेटली जो है लोगों की नौकरियां तो जाएंगी, आपके इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दीज आर सम डिसीजंस एंड दिस शुड बी केप्ट टू द एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव तक ही सीमित रहने दो, बिकॉज ये टेक्निकल मैटर्स होते हैं, जुडिशरी शायद इन चीजों को नहीं समझती है. एंड गवर्नेंस इन दिस कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना सीधा साधा चीज नहीं है, गवर्नेंस हमारे यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, एंड जुडिशरी समहाउ अंडरमाइंस इट. जुडिशरी इस चीज को कभी कभी समझती नहीं है, दैट्स व्हाई दे डू कम अप विद दिस जजमेंट. ओके, नाउ एपेक्स कोर्ट जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक चीज बोली है यहाँ पे, इवन दे हैव पॉइंटेड आउट दिस थिंग दैट हाई कोर्ट हैज इफेक्टिवली एनक्रोच्ड अपॉन द एग्जीक्यूटिव डोमेन. अब जैसा मैंने आपको बताया था, यू हैव सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट है टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस. ओके, तो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए ये किया गया है कि एक अथॉरिटी अगर पावरफुल हो जाए तो दूसरी अथॉरिटी उनको चेक करेगी, उनको रोकेगी डेस्पोटिक होने से, वो चीज यहां पे है. लेकिन यहां पे अगर आपकी जुडिशरी ऐसे कर रही है तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का जो पावर है ये चीज डिस्टर्ब हो रही है. अब एक बात और मैं बता दूं आपको, सपोज अगर आपको आंसर के अंदर ये सजेशन देना हो दैट जुडिशरी शुड अवॉइड ओवररीच, ओके, कि जुडिशरी जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच से बचना चाहिए, इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए आप बोलेंगे जस्टिस लोधा. ओके, यू कैन कोट हिम, जस्टिस लोधा ने यह बोला है कि जुडिशरी शुड अवॉइड जुडिशियल ओवररीच एट एवरी कॉस्ट, दे हैव टू अवॉइड जुडिशरी, ये हैव टू अवॉइड ओवररीच, ये उनको अवॉइड करना है. अब दूसरी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाईकोर्ट हैज पास्ड अ मैंडमस विच इज इनकैपेबल ऑफ बींग एग्जीक्यूटेड एट प्रेजेंट स्टेज, इफ एग्जीक्यूटेड इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग पैनिक फियर एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट. तो मैंडमस आपकी रिट है वो यहां पे उसके अंडर हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, मैंडमस के अंडर जो है हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया. आपको रिट्स के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल 226 के अंडर हाईकोर्ट ने दिया होगा ये. ओके, सो दिस इज अ जुडिशियल रिट, जो मैंडमस की रिट होती है ये आपकी एक जुडिशियल रिट होती है, एंड इट इज गिवन, इट इज इशूड टू कमांड टू एन इंफीरियर कोर्ट, कि आप इंफीरियर कोर्ट को कमांड करने के लिए ये करते हो कि इंफीरियर कोर्ट ये पर्टिकुलर चीज करे, ये ड्यूटी परफॉर्म करे. ओके, सो ये बात समझनी जरूरी है कि कैसे आप इंफीरियर ट्रिब्यूनल, पब्लिक ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप ये काम करें, तो वो चीज यहां पे इन्होंने बताई है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेजिस्लेचर के एम्बिट में होती हैं. अब या तो इन चीजों के लिए हमें कोई कानून बनाए. ओके, कोर्ट इम्पोज्ड जो गवर्नेंस है वो चीज ठीक नहीं होती है, कोर्ट को टेक्निकलिटी नहीं पता होती, जज ने किन चीजों को डिस्कस किया होगा, क्या जज ने जजमेंट सुनाते टाइम गवर्नेंस के मैटर्स को डिस्कस किया होगा, इन चीजों में क्या जज ने जजमेंट को डिस्कस किया, क्या इस गवर्नेंस को डिस्कस किया होगा. ओके, ये सवाल बनता है यहां पे. सो मैंडमस जो है वो आपकी रिट होती है, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो रिट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते भी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी. ओके,
तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट रिट्स जो है वो मेंशन है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इन रिट्स को इशू करता है। स्पेशल केसेस में इन रिट्स को इशू किया जाता है। ओके, सो ये प्रोविजन ऑलरेडी हमारे यहां पे है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, वो रिट्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, इलाज जिसे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिट्स हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं, वो सारे आपको मालूम होने चाहिए। ओके, सो डिफरेंट रिट्स जो हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, उनके अलग अलग फंक्शन हैं। तो हम थोड़ी बात जो है रिट्स की भी देख लेंगे कि रिट्स यहाँ पे क्या कौन सी आ रही हैं। ओके, सो जैसा आप देख लें कि इसके अंदर हैबियस कॉर्पस, ओके, सो हैबियस कॉर्पस जो है ये एक रिट होती है, फिर मेंडमस एक रिट होती है। ओके, हैबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी, कुओ वरंतो। ओके, कुओ वरंतो, नाउ दीज आर द डिफरेंट रिट्स विच आर प्रेजेंट। अब ये रिट्स होती किस लिए है? बेसिकली आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं ये। ओके, दीज रिट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। हम कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट जजमेंट देगा, किस बेस पे जजमेंट देगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इन रिट्स के अंदर मेंशन होता है। तो ये अलग अलग फंक्शन है। ओके, अब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं कि हेबियस कॉर्पस किस केस में दिया जाएगा, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हेबियस कॉर्पस इशू करता है प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के लिए, कि आप बताइए कि ये आदमी कहां है। कोई आदमी अगर किसी को पेश ना किया जाए कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उनसे सवाल करता है कि बताइए ये आदमी कहां है। तो ये रिट आपको ध्यान रखनी है, हेबियस कॉर्पस। मैंडमस जो है, जो सुपीरियर कोर्ट होती है वो नीचे वाली कोर्ट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करती है, या बाकी एजेंसीज को यूज करने के लिए करती है। ओके, मैंडमस जो है वो बाकी एजेंसीज को इंस्ट्रक्ट करने के लिए करती है, और मैंडमस का जो मीनिंग होता है वो होता है वी कमांड, कि हम आपको कमांड कर रहे हैं। ओके, मैंडमस का मीनिंग होता है कि वी विल कमांड यू, हम आपको कमांड कर रहे हैं, आप ये काम कीजिए। तो इस तरीके रिट्स जो है वो इश्यू की जाती है। अब प्रोहिबिशन, उसका भी अपना फंक्शन होता है कि नीचे वाली कोर्ट से कुछ मामला बड़ी कोर्ट अपने पास ले लेती है और बोलती है कि आप इस पे बात मत कीजिए, हम इस पे काम करेंगे, इस टाइप की चीज की जाती है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को इश्यू नहीं की जा सकती। सो ये रिट्स आपको मालूम होनी चाहिए, दीज आर डिफरेंट रिट्स। ओके, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो मैंडमस का मीनिंग होता है वी कमांड। नाउ फर्दर इफ यू सी यूएस करेंसी वॉच लिस्ट एंड इंट्रूजन इनटू पॉलिसी, ऑफिशियल्स आर सेइंग, ओके, सो यूएस गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन टू पुट इंडिया ऑन द वॉच लिस्ट फॉर करेंसी मैनिपुलेशन। अब ये देखो, ये वर्ल्ड ओवर, ओके, ये वर्ल्ड ओवर ये एक सिस्टम चलता है कि कैसे सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन करके रखता है। ये हमारे केस में नहीं होता, ये हर केस में होता है, हर देश का सेंट्रल बैंक जो है इस तरीके से करता है। अब हाई डॉलर परचेजेस हमने किए थे, सो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक चीज रिपोर्ट की है कि इंडिया इज ऑन वॉच लिस्ट बिकॉज वी हैव बॉट डॉलर्स, दे आर सेइंग दैट वी आर मैनिपुलेटिंग द करेंसीज। ओके, कि रिजर्व बैंक जो है वो बहुत ही ज्यादा डॉलर परचेज कर रहा है, क्लोज टू 5% ऑफ द GDP वो रिजर्व बैंक ने जो है परचेज कर लिए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, और इस वजह से वो हम पे वॉच लिस्ट पे डाल रहे हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो ऑफिशियल्स है वो कह रहे हैं कि रीजन कुछ और है। रीजन इज दैट हमारा यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, $20 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। ओके, सो इंडियाज ट्रेड सरप्लस विद यूएस ग्रू बाय 5 बिलियन टू 23 बिलियन। एक साल में हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो इंक्रीज हो गया, उससे पिछले साल में 18 बिलियन के अराउंड ट्रेड सरप्लस था, अब जो है हमारा ट्रेड सरप्लस बढ़ के 23 बिलियन हो गया इस साल, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे घट गए और एक्सपोर्ट्स जो है वो एक तरीके से सेम रहे, ठीक है ना। इंपोर्ट्स आपके देश में घट गए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी डाउन थी, किसी ने आईफोन नहीं खरीदा होगा, किसी ने बाकी चीजें नहीं खरीदी होंगी। देर आर, यू नो, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें
तो दीज आर वेरी लेजिटिमेट मार्केट बेस्ड ऑपरेशंस, ये मार्केट बेस्ड ऑपरेशंस हैं, हम कुछ गलत नहीं करते हैं। अगर आरबीआई डॉलर खरीदता है अपने पास रखता है तो दिस इज अ नॉर्मल मार्केट बेस्ड ऑपरेशन, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, कुछ बड़ी चीज नहीं है। सो इट इज अ मैंडेट ऑफ सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द करेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेंट्रल बैंक बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी। ये नॉर्मल प्रोसेस है स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, आरबीआई इज डूइंग अ नॉर्मल टास्क, ठीक है जी, तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, अगर आप ट्रेड सरप्लस की बात करें, ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? ट्रेड सरप्लस का मतलब ये होता है कि आपका एक्सपोर्ट जो है किसी कंट्री को वो ज्यादा है इंपोर्ट से, ओके, सो एक्सपोर्ट जो है आपका उस पर्टिकुलर कंट्री से आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो जितना इंपोर्ट करने से, उसको बोल देते हैं ट्रेड सरप्लस। ये ट्रेड सरप्लस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इंडिया जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, ठीक है जी, तो ये पता लग गया। अब आगे चलते हैं, रिमूव ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट, द इंटरनेट नेवर स्लीप्स, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और चीजें इंटरनेट पे मेंटेन रहती हैं, बहुत लोगों की जो है फोटोग्राफ्स वगैरह पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे रहती हैं, साइबर क्राइम जो है वो यहाँ पे चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई हाई कोर्ट हैज गिवन दिस जजमेंट दैट यू हैव टू रिमूव द ऑफेंडिंग कंटेंट। अगर कोई ऑफेंडिंग कंटेंट है तो आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये चीज जो है हाई कोर्ट ने बोली है, एंड इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, अगर किसी की प्राइवेसी ऐसे वॉयलेट हो रही है, किसी के राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, किसी को डीफेम किया जा रहा है, तो जो है वो जो है कंटेंट हटाना पड़ेगा। नाउ बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर द कारपेट एज आई टोल्ड यू, सो मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन योर बॉर्डर एरिया इज असेंशियल, ओके, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग दैट हम लोग ट्रेड आपके साथ तभी करेंगे जब आप बॉर्डर पे शांति मेंटेन करके रखोगे। एटलीस्ट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस विद यू नो योर काउंटर पार्ट। चाइना के साथ कॉन्फिडेंस हमें तभी आएगा, ट्रस्ट तभी आएगा जब बॉर्डर पे शांति होगी। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी विल रिस्पेक्ट म्यूचुअल कंसर्न्स एंड सेंसिटिविटीज, एक दूसरे को समझेंगे और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ओके, लेकिन सिचुएशन तभी अच्छी होगी जब आप बॉर्डर पे शांति मेंटेन करोगे। दिस सिचुएशन शुड नॉट बी पुट अंडर द कारपेट, ऐसा नहीं होगा दैट वी विल अंडरमाइन दिस एंड कैरी आउट ट्रेड विद यू, ओके, कि हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे और इसको अंडरमाइन भी करेंगे, ये चीज यहां पे इन्होंने बताई है। तो आप इसको देख सकते हैं, सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, सो डिप्लॉयमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन, ओके, एंड दे हैव डिप्लॉयड लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम बॉर्डर एरियाज पे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं, और उनकी आर्टिलरी ब्रिगेड बोला जाता है कि ऑलरेडी जो है वहां पर रिहर्सल कर रही है। दिस इज हाउ थिंग्स आर मूविंग अहेड, ओके, सो चाइनीज जो एम्बेसडर हैं ही हैज पॉइंटेड आउट दिस थिंग, व्हाट हैपेंड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स हैव proven once and again that highlighting differences will not help resolve problems. वो कह रहे हैं आप बार बार issues को highlight करोगे उससे problem solve नहीं होगी, पहले जो है आप trust build up करो, this is what they are saying, okay. So they are further saying boundary question is not the whole story of China-India relation and should be put a proper place in overall bilateral relations. कि आप जो है जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर इक्वेशन के साथ डिस्कस करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी शुड डू, ये चाइनीज कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले बॉर्डर पे आप शांति मेंटेन कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। नाउ चाइना एंड इंडिया नीड टू प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, अब ये भी उनका इंस्ट्रक्शन है कि कह रहे हैं कि इंडिया जो स्मॉल सर्कल्स में काम कर रहा है क्वाड जैसे ग्रुप बना के, वो ना करे, ट्रू मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करें, ओके, दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, ये उनकी चाहत है। सो चार्ड प्रेसिडेंट डाइज ऑन बैटलफील्ड, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड चीज यहाँ पे होगी और आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी दिस चार्ट, दिस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का, ओके, और ये कुछ आइडिया हमें होना चाहिए। नॉर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है आपकी, ठीक है, यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड होंगे, ओके, इन एरियाज के अंदर, तो ये हमें आइडिया लग गया। यहाँ पे चार्ट का हमने मैप देख लिया कि ये लैंड लॉक्ड है। अब हम इसको आगे देखते हैं। सो आप इस पर्टिकुलर मैप को देखिए, देखिए ये है आपका सहारा और ये है आपका सवाना। नाउ दिस इज अ ट्रांजिशन जोन, ये आपकी एक ट्रांजिशन जोन है दो वेजिटेशन टाइप के बीच में, ओके। नाउ दिस ट्रांजिशन जोन इज टर्म्ड एज साहेल रीजन, इस रीजन को बोलते हैं साहेल रीजन, ओके, दिस इज टर्म्ड एज
साहेल रीजन। नाउ देयर कैन बी अ फंडामेंटल क्वेश्चन कि बताइए साहेल रीजन में कौन से कंट्रीज आते हैं या साहेल रीजन है क्या। सो दिस इज द साहेल रीजन दैट इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन सहारा डेजर्ट एंड सवाना ग्रासलैंड, उसके बीच का एरिया है और ये सारे कंट्रीज जो हैं इनसे ये साहेल रीजन होके जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चाड के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। ओके, सो विच ऑल आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ चाड, तो ये आपको याद रखना है। सो हेयर वी हैव लीबिया, सुडान, ओके यहां से देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नीचे आ गया, फिर आप इसको देखिए नाइजीरिया आ गया, नाइजर हो गया, ओके कैमरून हो गया। नाउ दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ चाड एंड यू शुड हैव एन आइडिया कि ये छह कंट्रीज जो हैं ये चाड को एनसर्कल किए हुए हैं। आपको ये आइडिया लग गया, ये हमने देख लिया साहेल रीजन क्या है, सवाना और सहारा के बीच का ट्रांजिशन है ये, ठीक है जी। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं अफ्रीका के मैप के अंदर कि जो ओशियन करंट्स हैं वो यहां पे कैसे कैसे आ रहे हैं। ओके, सो ओशियन करंट्स देखिए एगुलास करंट जो है ये आपका हॉट वाटर करंट है, गर्म पानी लेके आता है। मोजाम्बिक करंट जो है ये भी आपका हॉट वाटर करंट है, ये भी गर्म पानी ला रहा है, ठीक है जी, हॉट वाटर गर्म पानी है दोनों जगह। बेंगुला करंट अगर हम देखें वो नीचे से ऊपर जा रहा है और ये कोल्ड वाटर करंट है। ऊपर की अगर हम बात करें, आप नॉर्थ कोस्ट की बात करें तो वहां पे आपका कैनरी करंट है, ये भी आपका कोल्ड वाटर करंट है। अब देखो ये जो कोल्ड वाटर हॉट वाटर करंट होते हैं इनका एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है आपकी पूरी के पूरे क्लाइमेट इक्वेशन पे, तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अब देखिए जहां पे कोल्ड वाटर करंट आएगा वहां पे रेन्स जो है वो नहीं होंगी, ओके और रेन डेफिसिट एरिया होगा, और जहां पे ये देखिए जहां पे हॉट वाटर करंट आएगा वहां पे रेन्स अच्छी होंगी, बारिश अच्छी खासी होगी। अब देखो ये सेम लैटिट्यूड पे है ये जगह है, ठीक है ना। अब हॉट वाटर कोल्ड वाटर आने से कितना बड़ा असर पड़ता है वो देखना वेजिटेशन का, कि अगर हम इस चीज को देखें ये एरिया आपका बहुत ही ग्रीन वेजिटेबल वाला एरिया होगा, ग्रीन वेजिटेशन है यहां पे, और ये है आपकी नामीब डेजर्ट, ये आपका डेजर्ट एरिया है। तो एक तरफ बेंगुला करंट आ रहा है जो कि आपका कोल्ड वाटर करंट है, उस वजह से इस रीजन पे बारिश नहीं होती है और यहां पे आपकी नामीब डेजर्ट बनती है, बारिश नहीं होती और नामीब डेजर्ट बन जाती है, और यह आपको ध्यान रखना है। सेम लैटिट्यूड पे आप अगर इस कोस्ट की बात करें तो यहां पे बहुत अच्छी बारिश होती है, ठीक है ना, क्योंकि एग्यूलास करंट आ रहा है यहां पे, एग्यूलास करंट आपका गर्म पानी का करंट है, हॉट वाटर करंट है, यह पता लग गया आपको। अब एक चीज और देखते हैं, जहां पे आपका हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट मिलते हैं वो एरियाज बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड होते हैं, ओके बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड होते हैं जहां पे हॉट और कोल्ड वाटर करंट आपके मिलते हैं, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान होना चाहिए। ये पूरी पूरी चीज ऐसे इक्वेशन याद रखनी है, मैप को करते हुए चलेंगे तो ही आगे अच्छा होगा, ठीक है जी, ये पता लग गया आपको। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस एडिटोरियल को, विच इज टॉकिंग अबाउट इन इंडिया अ सेक्टर लेड एक्शन बेस्ड अप्रोच कुड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू ड्राइव द लो कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कि सेक्टर वाइज चलिए आप, अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग डील कीजिए। मीन सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट से पावर सेक्टर, तो उसके अंदर जो आपका कोल प्रोडक्शन हो रहा है, कोल्ड से जो आप एक तरीके की एनर्जी निकाल रहे हो उसको रिड्यूस करना है और उसके अंदर एफिशिएंसी लेके आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन कोल। अदर थिंग इज दैट आप जो है वहां पे जो पावर प्लांट्स हैं आपके उनकी एफिशिएंसी बढ़ाइए। ओके, सो हरसिमरत आई विल एड्रेस योर डाउट, डोंट वरी, ओके एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल एड्रेस ऑल द डाउट्स, सो व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग जस्ट टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, आपके सारे डाउट एड्रेस होंगे, डोंट वरी। सो इन इंडिया सेक्टर लेड एक्शन बेस्ड अप्रोच कुड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, अब ये हमें करना है। नाउ In the build-up to leaders summit organized by US this week, there has been a flurry of articles about whether India should announce net zero emission target or not. अब क्या इंडिया को भी net zero announce करना चाहिए? अब देखिए ये net zero announcement क्या है? Okay, countries are announcing
that by this year, by a particular year, they will achieve net zero status. Okay, वो net zero status लेके आएंगे, जितना कार्बन एमिट करते हैं उतना ही वो ऑब्जर्व भी करेंगे. दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग. अपने एमिशंस को कंट्रोल करेंगे, एफॉरेस्टेशन वगैरह करेंगे, वो सारी चीजें हैं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंडिया के सामने लिमिटेशन है. ओके, इंडिया के सामने क्या लिमिटेशन है? पहली चीज आप देखिए, ज्योग्राफिकल एरिया 2.4% ऑफ द ग्लोबल एरिया. ओके, हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो सिर्फ 2.4% है. और पॉपुलेशन कितनी है हमारी? पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करोगे तो आप 17.4% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हो. ये कितना बड़ा मिसमैच है. मतलब अगर हम एफॉरेस्टेशन पे जाएं तो हमारी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है. एक लिमिटेड एरिया तक जितना है उतना ही उधर ही पेड़ लगा सकते हैं ना, ज्यादा तो नहीं कर सकते. तो आपको अपनी जो है प्रोडक्शन है उसको बेहतर करना पड़ेगा, एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा और क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा. अब दूसरी चीज आप देखिए, जब आप क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे सो इट विल बी अ कॉस्टली थिंग. देखो पैसे तो उसके अंदर लगेंगे. जब आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से आगे अपग्रेड करके नई टेक्नोलॉजी पे जाते हो तो आपके पैसे लगेंगे. यहां पे वो पैसे कहां से आएंगे, कौन फंड करेगा, फंडिंग कहां से होगी, ये कुछ सवाल है. दूसरी चीज अगर हम देखें, आप INDC की बात कीजिए. ओके, सो पेरिस डील के अंदर सबको मालूम है कि INDC टारगेट है. हर कंट्री अपने आप खुद डिसीजन ले रहा है कि वो कैसे काम करेगा. INDC रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिफरेंशिएटेड कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. अब ऐसा क्यों है? जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ओके, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 18th, 17th, 18th, 19th सेंचुरी के अंदर अच्छे से आ चुका था और उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी. एंड दे हैव प्रोड्यूस लॉट ऑफ गैसेस, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, विच इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, अभी तक वो चल रहे हैं. द सिचुएशन इज दैट डोंट यू थिंक इंडियंस दे हैव द राइट टू डेवलप? क्या हमारा राइट टू डेवलप नहीं है? ओके, अब राइट टू डेवलप की बात करें तो मेन अगर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर सीमेंट एक मटेरियल होगा. ओके, बाकी चीजें लगेंगी. आपकी इकोनॉमी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एनर्जी एक चीज है. एनर्जी के लिए आप कोल पे डिपेंडेंट होगे. अब कोल ना तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता, आपके देश में मिल जाता है, डोमेस्टिकली अवेलेबल है. ठीक है ना, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री फॉर इंपोर्टिंग कोल. इट इज अवेलेबल, हमारे यहां पे अवेलेबल है. सो डोंट यू थिंक वी हैव द राइट टू डेवलप? सो वी कैन नॉट अंडरमाइन दिस. इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा. एक और चीज देखिए आप, चाइना ने अनाउंस किया है दैट बाय 2050 दे विल अचीव देयर पीक. जितना पोल्यूशन करना है वो पीक अचीव करेंगे और उसके बाद वो घटाना शुरू कर देंगे. ओके, अब बात ऐसी है कि चाइना ने इकोनॉमी कब रिवाइव की थी? चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोली थी 1976 के आसपास. ओके, इंडिया ने 1991 के अंदर. देयर इज अ गैप ऑफ 15 इयर्स, 15 साल का गैप है हमारी डेवलपमेंट में और उनकी डेवलपमेंट के पेस में. सो दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अस, वो ऑलरेडी हमारे से आगे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बनना चाहिए उतना बना चुके हैं. सेम इज द केस विद डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव ऑलरेडी बिल्ड अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है. इंडिया के अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो हमारा तो अभी गेम शुरू हुआ है. सो डोंट यू थिंक वी शुड नॉट लुक फॉर द नेट जीरो टारगेट? लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इंडिया को नेट जीरो ईयर अनाउंस कर देना चाहिए. अरे क्यों अनाउंस कर देना चाहिए? हम अभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर एडिशनल प्रेशर बनेगा. दे आर नॉट इवन रेडी टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी. आप लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं करोगे, फंडिंग भी आप हमें नहीं दोगे, तो हम क्यों करें भाई? दिस इज द डिबेट. ओके, दिस इज द डिबेट. बट क्या इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट सकता है?
ये भी एक सवाल है, अगर हम पर कैपिटा एमिशन की बात करें, ओके, पर कैपिटा एमिशन में हम बहुत पीछे हैं, ठीक है ना, लेकिन क्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे तो हम दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे हैं। पर कैपिटा एमिशन में हम बेशक पीछे होंगे लेकिन क्यूमुलेटिव में हम फोर्थ नंबर पे हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे हक में ही होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम आगे बढ़े। ओके, दिस इज इन इंडिया इंटरेस्ट ऑल्सो, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। और जो डिजास्टर इफेक्टेड कंट्रीज होते हैं, ओके, इंडिया इज वन ऑफ देम। हमारे को मेजर क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है, जो डिजास्टर्स आ रही हैं आपके देश में ज्यादा आ रही हैं। सो ये हमारे लिए इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट में है कि हमें खुद ब खुद काम करना होगा। सो वो अगर करें ना करें, लेकिन हमें खुद अपने आप को ठीक करना होगा। सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट कॉल्ड फॉर ग्लोबल कार्बन एमिशन टू रीच नेट जीरो बाय 2050। अब ये ग्लोबल कार्बन एमिशन कह रहे हैं कि बाय 2050 आपको नेट जीरो अचीव करना है, लेकिन हमारे केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इंडिया जैसे कंट्री को कार्बन स्पेस तो देना पड़ेगा। अब ये कार्बन स्पेस जो है, ये क्या है कि डेवलपमेंट के लिए हमें अलाउ कर देना चाहिए कि थोड़ा बहुत पोल्यूशन हम कर सकें। अब इसके एवज में जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इट मींस उनको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ओके, उनको अपना जो एमिशन है वो घटाना पड़ेगा। सो येट ग्लोबल नेट जीरो मे रिक्वायर सम कंट्रीज रीचिंग नेट जीरो बिफोर 2050। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो कुछ कंट्रीज को नेट जीरो पे आना है बिफोर 2050, ओके। सो सिंस अ डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कार्बन स्पेस हैव बीन यूज्ड अप बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे एक्ट बोल्डली एट होम। अब ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है जो मैंने आपको बोला कि वो लोग तो डेवलप कर चुके हैं, वो लोग तो पोल्यूशन कर चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, दे हैव ऑलरेडी कॉज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, बहुत कर चुके हैं वो, तो सारा शेयर तो वो खा गए हैं, हमारे लिए भी तो स्पेस होना चाहिए ना। सो नेवरदलेस एज अ क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री इंडिया मस्ट ऑल्सो अप इट्स गेम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू लिमिटेड ग्लोबल टेम्परेचर, ओके, वाइल डूइंग सो इट शुड नॉट लूज साइट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड इट्स ओन डेवलपमेंटल नीड्स। कि हमें अगर हम नेट जीरो अनाउंस भी करते हैं तो हमारे डेवलपमेंटल नीड्स हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं। और दूसरी चीज, आप हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन देखिए, ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अपने फेवर में ही चीजों को लाना पसंद करते हैं, ओके। सो देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आवर पर कैपिटा कार्बन एमिशन आर लेस देन हाफ ऑफ वर्ल्ड एवरेज, तो जितना वर्ल्ड एवरेज होता है उनसे लेस देन हाफ है, हम पर कैपिटा एमिशन तो हमारा कुछ खास नहीं है। सो वट इंडिया मस्ट डू, सो वट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, सो इंडिया विल टेक ओनली मोडेस्ट स्टेप्स अंटिल द रिचर कंट्रीज डू मोर। You do expect others to do more, उन लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। So yet announcing an Indian 2050 net zero commitment risk taking on a much heavier burden of decarbonization than many wealthier countries could seriously compromise India's developmental needs। तो ये हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम अभी अनाउंस कर देंगे कि ये हमारा टारगेट ईयर है तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी एंड इट इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इंडियाज डेवलपमेंटल नीड्स, हमारे डेवलपमेंटल नीड्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो देर इज अ सजेशन दैट थर्ड पाथ आप लीजिए, फोकस ऑन कंक्रीट नियर टर्म सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन, की अलग अलग सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ओके, सपोज से एनर्जी, पहले आप एनर्जी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कीजिए और उसके अंदर भी थर्मल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो जो आपके पावर प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाइए, ओके, ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए अरेंजमेंट कीजिए। सो सेक्टर बेसिस पे हमें अब काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलिए, ओके। अब देर आर कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, दे आर रेडी टू यू नो शेयर देयर टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कंट्रीज आपके साथ काम करने को तैयार हैं, वो उनको आप एनकरेज कीजिए कि वो इंडिया में आके क्लीन टेक्नोलॉजी की चीजें करें, प्रोवाइड करें, ये हमें करना है। सो दिस इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय फोकसिंग ऑन सेक्टोरल लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे दैट कंबाइंड कॉम्पिटिटिवनेस, जॉब क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस एंड लो पॉल्यूशन इन द की एरियाज। अगर आप सेक्टर बेस पे चलते हो तो आपको जॉब क्रिएशन भी आप कर पाओगे। अब सपोज करो कि अगर आप सोलर पावर यूनिट को लेके प्रोडक्शन बढ़ाते हो, सोलर पावर प्लांट का इक्विपमेंट आपके देश में बढ़ना है और उसके प्रोडक्शन अगर आप बढ़ा रहे हो, सो डेफिनेटली नौकरियां पैदा होंगी, ये हमें आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, क्वालिटी जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए,
अगर आपकी क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट से बेहतर है, डेफिनेटली पीपल विल गो फॉर दैट. सो वी शुड हैव अ मोर स्पेसिफिक फ्यूचर, मोर स्पेसिफिक आइडिया अबाउट फ्यूचर इकोनॉमी, कि भविष्य में क्या होने वाला है, किन सेक्टर्स पे आप आगे लेके आओगे. सो ये चीज हमें करने की जरूरत है. नाउ इफ यू पिक अप द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी आप लाना चाहते हो? क्या आप ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक हो जिसके अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं? तो यू हैव टू इंप्रूव दिस. ओके, यू हैव टू इंप्रूव दिस. नाउ डीकार्बनाइज द पावर सेक्टर. नाउ टू अचीव द नेट जीरो एमिशन, अ की पीस ऑफ पजल इज टू डीकार्बनाइज द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. इसको डीकार्बनाइज करना है. शिफ्ट टू सोलर, सोलर पे शिफ्ट करो, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करो. ओके, शिफ्ट टू मिक्स ऑफ एनर्जीज, अलग अलग रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का मिक्स करके आपको करना है. आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा. तो सोलर रिन्यूएबल इन चीजों के मिक्स पे चलिए आप. ओके, इस चीज से हम जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस पूरे सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जो हमारा रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट है उसके अचीवमेंट पे हमें आगे बढ़ना है. ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट टारगेट है. देखिए, आप जो है इतना भारी टारगेट लेके चल रहे हो, दैट 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2022. दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग, एंड फर्दर ग्रोइंग टू 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030. बट द प्रॉब्लम इज दैट हैव वी अचीव्ड इट, क्या हमने इसको अचीव कर लिया है? तो पास्ट के अंदर जो हमारे प्रोमिसेस होते हैं, जो हम करते हैं, उस पे हम कैसे आगे बढ़ते हैं, वो भी एनालाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये हमें देखना होगा कि कितना हमें अचीव किया है. ठीक है जी, ये आपको समझना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे. सो कोल प्रोवाइड्स फर्म्स डिस्पैचेबल पावर एंड अकाउंट्स फॉर रफली 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टूडे. ये रियलिटी है. सो वी कैन नॉट अंडरमाइन कोल. कोल को तो आप अंडरमाइन कर ही नहीं सकते हो. सो कोल की एफिशिएंसी बढ़ाओ, थर्मल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी बढ़ाओ. ये बिल गेट्स की स्टेटमेंट है. ओके, बिल गेट्स ने एक बार बोला था कि कोल जो है उससे सस्ती चीज कुछ भी नहीं है, कोल से सस्ता कुछ नहीं है, और कोल जो है पावर्टी रिडक्शन इन चीजों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आपके देश में बनता है, आप खोदते जाओ और उसको जलाते जाओ. नाउ सीलिंग फॉर कोल पावर, द फर्स्ट बोल्ड स्टेप वुड बी टू प्लेज दैट इंडिया विल नॉट ग्रो इट्स कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी. ये हमें अब प्लेज करना पड़ेगा कि ओल और जो है थर्मल पावर प्लांट हम नहीं लगाएंगे, जो एग्जिस्टिंग है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे. ओके, क्लीन करेंगे उसे, उनको मोर एफिशिएंट बनाएंगे. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. इस चीज को हमें आगे बढ़ना है. अनदर स्टेप इज टू क्रिएट अ मल्टी स्टेक होल्डर जस्ट ट्रांजिशन कमीशन representing all levels of government and the affected communities to ensure decent livelihood opportunities beyond coal in India. तो कोल के अलावा दूसरी जगहों पे भी नौकरियां पैदा हों उसके लिए काम कीजिए. एक जो है ट्रांजिशन कमीशन बनाइए जिसके अंदर इन चीजों पे बात हो सके. नाउ दिस इज नेसेसरी बिकॉज ट्रांजिशन कॉस्ट ऑफ ब्राइटर लो कार्बन फ्यूचर शुड नॉट फॉल बैक ऑन इंडियाज पुअर. जो गरीब जनता है उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दो. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो इसलिए ट्रांजिशन कमीशन एक बनाने की जरूरत है. थर्ड इज दैट लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर विल नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट एड्रेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सेक्टर. कि जैसे पुअर फाइनेंसिंग इज अ प्रॉब्लम, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज अ बिग प्रॉब्लम. जो आप सब्सिडी दे रहे हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, यू हैव टू स्टॉप दैट. उन चीजों को स्टॉप करना बहुत जरूरी है. एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम अ लीडर इन टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर. सो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड की टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी के अंदर लीडर बनना पड़ेगा. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर फंडिंग की अगर हम बात करें तो अभी 0.7% ऑफ GDP आप खर्च करते हो सिर्फ. इसको बढ़ा के एटलीस्ट 1.5% GDP तो लेके आओ. ये टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ये आपको करना है. थ्रू केयरफुल पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग टूल्स सच एज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इंडिया शुड यूज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन टू एम फॉर जॉब क्रिएशन, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस. तो ये हमें करना है. इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन करो, उसके अंदर नई नौकरियां पैदा करो, ये आप आगे बढ़िए. ओके, सो इंप्रूव द एनर्जी सर्विसेज. नाउ एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट टू डीकार्बनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई.
Growing urbanization and uptake of electricity services offers a good opportunity to shape energy consumption within building through proactive measures. तो स्मार्ट बिल्डिंग का कंसेप्ट आप लेके आइए, क्या हम स्मार्ट बिल्डिंग लेके आ सकते हैं? अगर हम स्मार्ट सिटीज लेके आ सकते हैं तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट बिल्डिंग भी तो बन सकती है. तो ये कंसेप्ट आप लेके आइए, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट आप लेके आइए. ओके, नाउ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. ग्रीन बिल्डिंग कैसे करिए? जो आप कंप्लीशन दे रहे हो उसके अंदर ग्रीन बिल्डिंग लेके आइए. टैक्स डिबेट्स दीजिए. ओके, टैक्स रिबेट्स जो है वो आपको देनी पड़ेगी. रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको कंसेशन देना पड़ेगा. ओके, ये करना है. मान लो आप अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने जाते हो और अगर आपने ग्रीन नॉर्म्स फॉलो किए हैं तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है ना, कि रजिस्ट्रेशन फीस आपके लिए सस्ती हो जाए थोड़ी. दिस इज व्हाट वी कैन डू. नाउ कूलिंग नीड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज रैपिडली. आने वाले टाइम में जो है इनकम्स बढ़ेंगी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एसी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा. ओके, एंड इट इज कंज्यूमिंग अबाउट 60% इलेक्ट्रिसिटी आपके हाउस होल्ड का लेके जा रहा है, रेफ्रिजरेटर, फैन, एसी. Definitely people will consume more. Okay, आने वाले टाइम में consumption ज्यादा होगा. Energy demand जो है, okay, energy demand भी आपके देश में बहुत ज्यादा होने वाली है. So definitely you have to work on it. जो आपके electrical equipments हैं, okay, जो आपके electrical equipments हैं उनकी efficiency भी बढ़ानी जरूरी है. Electrical equipment की efficiency भी बढ़ानी जरूरी है. So, ये भी, इस पे भी हमें काम करना है. तो हमारे पास कुछ होता है स्टार सर्टिफिकेशन. ओके, स्टार सर्टिफिकेशन होता है, वो हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आप लेके आइए. हर जगह आपको एनकरेज करना है कि अच्छी एफिशिएंसी वाले प्रोडक्ट्स बिकें. सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो सेक्टर बाय सेक्टर अप्रोच. हर सेक्टर को जो है आप एड्रेस कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल. आप अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओगे. सो वी कैन कमिट, हम कमिट कर सकते हैं, एक टाइमलाइन बना सकते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक टाइमलाइन बना सकते हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय 2050 एज अ ईयर, वी कैन राइट दैट ओके बाय बिटवीन 2050 टू 2060, इसके बीच में हम नेट जीरो अचीव करेंगे. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप कर सकते हो. सो ये आपको बढ़ाना है. सो डेफिनेटली आपको लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ानी है और जो इसके इम्पैक्ट होने चाहिए वो भी पॉजिटिव होने चाहिए. अगर आप लो कार्बन इकोनॉमी की बात करते हो तो उतनी जॉब्स भी होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड. आप जॉब्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकते. फर्दर जो सप्लाई चेन है एनर्जी के, उसको आपको स्ट्रेंथन करना है. ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन होने चाहिए एंड इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट. इंडिया उसका पार्ट होना चाहिए. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एडिटोरियल, अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओइस्ट. ओके, सो प्रेजेंटली यू मस्ट बी सीइंग द रीसेंट डेवलपमेंट कि 22 जवान हमारे मारे गए और 1 कोबरा जवान जो है उनको उन्होंने रिलीज कर दिया. अब ये क्यों रिलीज किया? एक बात है कि इसके अंदर जो है माइंड गेम खेला जाता है. ओके, माइंड गेम क्या खेला जाता है कि दे वॉन्ट टू शो दैट दे हैव अ ह्यूमेन साइड, वो कंपैशनेट है और दे आर फाइटिंग फॉर अ कॉज, एक कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट दे वॉन्ट टू शो. अपनी इमेज को वो इंप्रूव करना चाहते हैं माओइस्ट, तो इसलिए उन्होंने कोबरा जो है जवान को छोड़ दिया. ये गेम आगे समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ माओइस्ट अटैक कर रहे हैं वो वेरी करती है. ओके, इट मे वेरी, बट जो एक्यूरेसी है जिस चीज के साथ वो अटैक कर रहे हैं वो अभी भी सोचने वाली चीज है कि वाई दे आर एग्जिस्टिंग. ओके, वाई दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग, इतना साल होने के बाद भी वो अभी तक एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क. सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ओके, He is saying one thing that Naxalite problem is the biggest threat to India. Terrorism से भी खतरा है, terrorism से बड़ा खतरा ये है हमारे लिए. अब वो Maoist चलाते कैसे हैं? They usually spread the misinformation about the number of Maoist और अपनी location को लेके misinformation फंसाते हैं और हमारे security forces उनके जाल में फंस जाते हैं. Okay, so this is how they laid their ambush. एक तरीके से ambush वो plan करते हैं.
Now you need to understand, Maoist can never match the government's resources and professional prowess. Definitely हमारे पास government जो forces हैं, they are more professional, more equipped, more trained, but still Maoist कैसे आगे बढ़ रहे हैं? Because you have to understand, this is a battle between minds of steel. ये दिमाग की लड़ाई है, ठीक है ना? जो आपको नजर आता है बाहर, उससे बहुत बड़ी लड़ाई है. This is a ideological war, okay? ये ideological war है. और ये एक अलग एंगल पे चलती है. नाउ इंटेलिजेंस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, प्लानिंग ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, बट हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो टेरेन है वो माओइस्ट जानते हैं, लोकल रिक्रूटमेंट होता है उनका, उनको ज्यादा पता है कि जंगल में कैसे जीना है. दूसरी चीज, जो इंटॉक्सिकेशन है एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोपोगंडा के थ्रू, जो आपके ट्राइबल्स हैं उनको अपनी तरफ ले जाते हैं. अब ट्राइबल्स क्यों आपके एलियनेट होते हैं, ट्राइबल आपके एलियनेट क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन? देखिए, आप माइनिंग करते हो उस एरिया के अंदर, ओके? माइनिंग तो लैंड पे ही होगी, लैंड पे माइनिंग होगी तो ट्राइबल जो हैं उनको वो जमीन छोड़नी पड़ती है. दे आर डिस्प्लेस्ड, ओके? ट्राइबल जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, उनका गुस्सा होता है गवर्नमेंट के ऊपर, और माओइस्ट जो है इसका फायदा उठाते हैं. ये प्रॉब्लम है. नाउ दिस इज व्हाट वर्क्स इन एडवांटेज ऑफ माओइस्ट, ओके? दूसरी चीज, स्टेट्स कैन नॉट गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू द टास्क ऑफ इरेडिकेटिंग एक्सट्रीमिज्म. हमारे यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो कभी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कभी ढीले पड़ जाएंगे. दे आर ऑल्सो नॉट पेइंग एडिक्वेट अटेंशन, इस मुद्दे के ऊपर एडिक्वेट अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. अगर आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट, अगर आप स्कूल नहीं दे रहे, अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे, अगर आप हॉस्पिटल नहीं दे रहे ट्राइबल एरिया के अंदर, डेफिनेटली एलियनेशन जो है, गुस्सा जो है सरकार के ऊपर, वो बढ़ जाता है. एंड माओइस्ट जो है इसी गुस्से का फायदा उठाते हैं. सो प्रेजेंटली द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफन डू टू स्टेप अप देयर ऑपरेशन इज टू डिप्लॉय मोर पुलिसमैन. अब ये करते क्या है कि और ज्यादा पुलिसमैन जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं. सो दूसरा सवाल है कि क्या डेवलपमेंट हेल्प करती है? अब यहां पे आपको एक बात समझनी है, आंध्र प्रदेश मॉडल, दिस इज द बेस्ट मॉडल. आंध्र प्रदेश मॉडल बेस्ट मॉडल क्यों है? पहली चीज, दे हैव प्रोवाइडेड द डेवलपमेंट, उन्होंने डेवलपमेंट भी प्रोवाइड किया है, प्लस उन्होंने ग्रे हाउंड बनाया, ओके? नाउ दिस इज अ लोकल यूनिट, ये उनका लोकल यूनिट है, उनकी पुलिस का ट्रेंड कमांडो होते हैं इसमें, ओके? अब वो चीज आपको समझनी जरूरी है. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश क्यों सक्सेसफुल हुआ? आंध्र प्रदेश इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे थे, जो ग्रास रूट लेवल पे सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया आंध्र प्रदेश को, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया. सो सिविल सर्वेंट्स किस मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप लोग ऑफिसर बनोगे, आप लोग किस मोटिवेशन के साथ काम करोगे, वो डिपेंड करता है कि हम लोग नक्सलाइट माओइस्ट जैसी प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडक्टिंग लोकल यूथ इन टू सिक्योरिटी फोर्सेज. अब ये भी एक तरीके से हेल्प करता है कि आप सेंट्रल फोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट ना होके लोकल पुलिस को स्ट्रेंथन कीजिए, इंक्लूड लोकल यूथ. लोकल यूथ को ज्यादा पता होता है लोकल टेरेन के बारे में, जंगल के बारे में वो ज्यादा जानता होता है. फर्दर अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश रेज्ड ग्रे हाउंड्स, उन्होंने ग्रे हाउंड रेज्ड किया, ओके? और उसका रिजल्ट भी बेहतर है. सो डेवलपमेंट प्लस लोकल यूनिट, वो ज्यादा आपको हेल्प करता है. सो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, वो लोगों की थिंकिंग को हैक कर लेता है. फर्दर आप रोमांटिसाइज करने लग जाते हो कि माओइस्ट जो है वो सही में कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं. अब एक चीज देखिए, सिंबल ऑफ स्टेट क्या है, ओके? सिंबल ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें, सरकार के सिंबल होते हैं स्कूल्स, सरकारी स्कूल है वहां पे, हॉस्पिटल है वहां पे, ओके? सड़क है वहां पे, रोड है वहां पे. अब माओइस्ट क्या करते हैं, इन्हीं को ही नुकसान पहुंचाते हैं. माओइस्ट इनको रिमूव करते हैं क्योंकि वो स्टेट को हटाना चाह रहे हैं वहां से. ये आपको समझना होगा, ओके? ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माओइस्ट इज टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज एंड द गवर्नमेंट. कि सिक्योरिटी फोर्सेज का मोराल कम हो जाए, उनको लगे कि हमारी सरकार हमारे को सुन नहीं रही है, ओके? दूसरी चीज, दे आर सेइंग दे आर लुकिंग फॉर पीपल्स गवर्नमेंट. वो जो है
ट्राइबल को ये बताते हैं कि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, जन आंदोलन बोलते हैं इसे, पीपल्स कोर्ट लगाते हैं, ओके, पीपल कोर्ट लगाते हैं वो, दिस इज व्हाट दे डू। नाउ माओइस्ट एरिया की अगर हम बात करें, सो हेयर इज योर मैप, ओके, सो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दे आर समहाउ प्रेजेंटली लोकेटेड इन 70-80 डिस्ट्रिक्ट्स, 70-80 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो लोकेटेड है। अगर आप मैप की बात करें तो दिस इज योर ओडिशा, ये आपका ओडिशा हो गया, यहां पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, हेयर इज योर तेलंगाना, ये आपका तेलंगाना हो गया, ओके, इस रीजन के अंदर, इस बॉर्डर एरिया के अंदर, और ऊपर की अगर हम बात करें तो यहां पे आएगा आपका महाराष्ट्र, ओके, ये है आपका महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा जो इनका बॉर्डर एरिया है, इस एरिया में ज्यादातर माओइस्ट मिल रहे हैं। अब ये एरिया क्या है, इसके अंदर एरिया जिसको बोलते हैं दंडकारण्य एरिया, ओके, बस्तर रीजन, वो सब है ये एरिया, दंतेवाड़ा, दीज आर द रीजन। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, इनके बॉर्डर एरियाज में जो है माओइस्ट एक्टिव होते हैं। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम क्या आती है, जब इतनी सारी अलग अलग स्टेट हो गए तो ज्यूरिसडिक्शन अलग हो जाती है। अब करते क्या है, ओडिशा के अंदर वो अटैक करेंगे और भाग के छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर अटैक करेंगे और भाग के छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, इस तरीके से वो एक्ट करते हैं। दिस इज हाउ दे ऑपरेट, ओके, इस एरिया के अंदर लोकेटेड है, और थोड़ा एरिया जो है वो झारखंड और बिहार के अंदर भी एक्टिव है। सो दीज आर द मेजर एरियाज जहां पे माओइस्ट जो है अभी काम कर रहे हैं, ओके। नाउ लोगों का ग्रेजुअल माइग्रेशन भी हो रहा है, ओके, वो लोग हर भी रहे हैं, बेटर लाइफ वो चाह रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स माओइस्ट से बाहर भी आ रहे हैं, माओइज्म से बाहर भी आ रहे हैं। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। देखिए, उनको रिहैबिलिटेट तो करना पड़ेगा ना, जो माओइज्म छोड़ रहे हैं, जो वायलेंस छोड़ के आ रहे हैं, यू हैव टू यू नो रिहैबिलिटेट देम। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। इस चीज के ऊपर हमें काम करना है, ओके। सो दिस वॉज योर सेशन, नाउ आई विल एड्रेस योर डाउट, ओके। यशवनी जोशी, आई हैव एड्रेस योर डाउट। सो अंकित गुप्ता सर, आर देयर डिफरेंसेस बिटवीन पीक ईयर एंड नेट जीरो ईयर? यस, देयर कैन बी डिफरेंस। देखिए, जब आप सर, क्या नक्सलाइट और माओइस्ट सेम है? यस, एब्सोल्युटली। देखिए, जो नक्सलाइट हैं, दरअसल ये मूवमेंट आपका शुरू हुआ था, ठीक है ना, नक्सलाइट मूवमेंट आपका शुरू हुआ था, नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी एक गांव है, ये आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, नक्सलबाड़ी गांव से गेम आपका शुरू हुआ था। माओइस्ट एक तरीके से एक ही चीज है, ये आपको समझना होगा, ठीक है जी। अब अंकित गुप्ता सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीक ईयर एंड नेट ईयर। पीक ईयर क्या है? पीक ईयर ये है कि दिस ईयर यू विल, योर एमिशन विल बी मैक्सिमम, ओके, आपका एमिशन जो है वो मैक्सिमम होगा, आफ्टर दैट इट विल डिक्लाइन। तो ये आपका कुछ मैप ऐसे बनेगा, ये मैप देख लीजिए पीक ईयर का, ओके, ये देखिए, ये कि ये पीक ईयर होगा जब आपका जो एमिशन है वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद वो घटना शुरू हो जाएगा हर साल, और धीरे धीरे नेट जीरो कार्बन तक आप आ जाओगे, ओके, ये डिफरेंस है। सर, योगिता दुबे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमल्गेशन रिगार्डिंग प्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस? ओके, सो देखिए, ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया जाता है, प्रोमल्गेट करना मतलब ऑर्डिनेंस जारी करना, ओके, सो एग्जीक्यूटिव के एक्शन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आपका जो है ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रमल्गेशन, ओके। सर, हरसिमरत कौर सर, ऐसा क्यों है कि कोल्ड करंट आता है वहीं नहीं होती रेनफॉल, हॉट करंट में होती है? सो देखिए, यहां पे आपको पता होना चाहिए प्रेशर क्रिएट करने की बात होती है, ठीक है जी। तो जहां पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर जहां पे होगा वहां पे बारिश होगी, वहीं पे रेन्स आएंगी ना, ठीक है, ये पता है ना आपको। अब जहां पे कोल्ड करंट आएगा वो क्या करेगा, उधर हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब उधर हाई प्रेशर हो गया तो बारिश नहीं होगी, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, तो आपका टेम्परेचर जब बढ़ता है तब आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये तो हमें पता है,
टेम्परेचर बढ़ने पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए बारिश हो जाती है, ये रीजन है। कोल्ड करंट क्या करेगा, टेम्परेचर को ठंडा कर देता है, उस एरिया के क्लाइमेट को ठंडा क्लाइमेट कर देगा, बारिश नहीं होगी। ओके जी, ये रीजन है सर। ओके हरसिमरत कौर सर, ऑर्डिनेंस को हम लॉ बोलेंगे या फिर पावर बोलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है? ऑर्डिनेंस को लॉ ही बोलेंगे आप। ओके, ऑर्डिनेंस का जो इफेक्ट होता है दैट इज सेम एज लॉ। ऑर्डिनेंस का इफेक्ट सेम एज लॉ होता है, कानून जितना ही इफेक्ट होता है, उससे अलग नहीं होता। तभी तो उसको पास करने के लिए हम कानून बनाते हैं दोबारा। ठीक है जी, विवेक राज, इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ माओ एंड रेवोल्यूशन कम्स टू द नोजल ऑफ द गन, बैरल ऑफ द गन, नोजल ऑफ द गन, यस यू कैन से। मोनिका, विच कंसेप्ट यू वॉन्ट मी टू रिपीट, कौन से कंसेप्ट को रिपीट करवाना चाहते हैं? ओके, सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर डाउट्स, आपके डाउट्स को मैंने एड्रेस कर दिया है यहाँ पे। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। इफ दिस एनालिसिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। सो ओके पीक, हाँ जी, तो पीक मैंने ये कहा है कि देखिए इस साल में आप जो है एमिशन जो होंगे आपके, ओके, आपके एमिशन सबसे ज्यादा इस ईयर में होंगे। तो कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं पीक ईयर। अब चाइना ने अनाउंस कर दिया इस साल हमारा सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा, उसके बाद हम घटाने लग जाएंगे पोल्यूशन। सेम वे इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इंडिया भी अनाउंस करे कि इस साल हमारा पोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जो है हम पोल्यूशन को घटाते जाएंगे। ये है पीक ईयर, और घटाते घटाते नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे। ओके, ये हमारा टारगेट है। तो पीक ईयर मतलब सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा एमिशन उस साल होगा, उसके बाद चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ये आइडिया है हमारा। आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर डाउट। सो लेट्स एंड द सेशन। ओके,